ये देखिए, ये स्टेशन से अभी आया है। स्टेशन से 3 से 5 मिनट की देरी में आप अपनी साइट को पहुंच जाते हो। यहाँ से हमारा साइट स्टार्ट है। इस गांव, ये सामने गांव है, इस गांव का नाम है शिरोल गांव। यहाँ से हमारा साइट स्टार्ट है और ये सब फाउंडेशन मारा हुआ है। एक रूम भी रेडी हो रहा है, उसमें अभी टाइल्स वगैरह का काम बाकी है। ये सब फ्रंट के गाले हैं, 12x40 12x40 इस टाइप से। ये 12x40 हम लोग देते हैं सामने से। ये 12 फुट है ऐसा, और ऐसा 57 फिट गया है। किसी को 40 भरता है, किसी को 57 भरता है। क्या वो थोड़ा सा जगह क्रॉस में है ना, इधर उधर, इसके लिए किसी का बढ़ता है, किसी का घट जाता है। तो जिसका बढ़ेगा उसको बढ़ के पैसा देना पड़ता है, जिसका घटेगा उसको घटा के पैसा देना पड़ता है ऐसा। ये हम रोड पर चल रहे हैं, इस रोड के ऊपर आपको 24 घंटा सर्विस अलाउ है। ये देखो, ये साइड में घर भी बन रहे हैं, काम भी चालू है। ये देखो गाड़ी वगैरह सब कुछ आ रही, 24 घंटा आपको ये रोड चालू मिलेगा। ये सामने गांव है, अंदर मस्जिद है, मदरसा है, बाकी नेटवर्क की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो गाड़ी वगैरह सब आते जाते रहते। और इसके आगे ये अपना पहला गांव है, और इसके आगे 12-13 गांव और भी हैं। यही रोड यहां से निकल करके ये पूरा सीधा गया हुआ है, वो लास्ट तक देखिए आप पहाड़ों के बीच में। इस रोड के ऊपर बस भी है, एसटी बस। अब इस रोड से, मेन रोड से हमने अपनी साइड के लिए ये चूना, आपको दिख रहा है ये चूना और ये चूना, ये 24 फुट का रोड हमने पूरा डाला है यहाँ से। ये 24 फीट का रोड है, और ये जिन जिन पार्टियों ने पैसे दे दिए हैं, जिनका पेमेंट पेड हो चुका है या कुछ का बाकी भी है, तो उन लोगों ने बोला भाई मेरा फाउंडेशन मरवा दो, मेरे को ताबा दे दो, तो उनका फाउंडेशन मरवा दिया गया है। जो जो कस्टमर जैसा जैसा पेमेंट चलाता है उसको वैसा वैसा हम लोग बना के दे देते हैं पैसा है। ये 24 फुट के रोड पर हम चल रहे हैं, और ये हमारा 10 फिट का रोड है। ये सब कस्टमर आए हुए हैं मुमरा से। एक 10 फिट का रोड वो है, एक 10 फिट का रोड ये है। 24 फिट के रोड से ये 10 फिट का रोड अंदर गया है, और ये देखिए 24 फुट रोड के ऊपर ये एक फाउंडेशन मारा हुआ है। इनका भी मकान बना के देने का। एक रोड ये गया हुआ है 10 फिट का, और उसके बाद में ये 12x25, और उसके पीछे 12x25 12x25 ऐसे गाले। अभी देखिए ये फाउंडेशन भी मारा हुआ है, ये 25x60 तकरीबन 1.5 घंटे की पूरी जगह है, और इसमें एक ही बंदे ने लिया हुआ है। ये फार्म हाउस इंशाल्लाह बनेगा। ये भी अपने अशोक नगर की पार्टी है, हमारे अपने फूफी के लड़के हैं, मोहम्मद भाई का प्लॉट है ये। उसके बगल से ये 10 फुट का रोड गया हुआ है। उसके बाद में आप ये जो 10 फुट का रोड देख रहे हैं, इस 10 फुट के रोड में ये अपने अशोक नगर वाले सब लोगों ने लिया हुआ है। ये बी लाइन है, बी लाइन पे आप चल रहे हो, ठीक है। ये अपने अशोक नगर वाले ही हैं सब। ये मुहर्रम भाई हैं, उसके बाजू में आपके नस्सो हैं, उसके बाजू में शन्नो हैं, उसके बाजू में ये समोसे वाली भाभी हैं, उसके बाजू में ये आपके शबाना अंसारी हैं, उसके बाजू में ये सऊदी का लड़का है, शबाना अंसारी का कोई रिश्तेदार है, वो हैं सऊदी के हैं, वो सऊदी की पार्टी है ये। और उसके बाजू में ये जगह खाली पड़ी हुई है, तो ये जगह आपको हो जाएगी दोनों। ये यहाँ से चूना स्टार्ट हुआ, और ये चूना स्टार्ट हुआ, ये 10 फुट है ऐसा, 20 फुट है, और ये चूना और ये चूना, ये 10x20, यानी कि 20x20 का आपका टोटल जगह हो जाएगी। और इसके पीछे आपको 3 फिट की डिजिट लाइन मिलती है, ये देखिए
ये नाली वगैरह का जो पानी जाता है ना, ये 3 फीट का पूरा डिजिट लाइन है यहाँ से वहाँ तक। और ये यहाँ से अपना साइड ख़त्म है, उसके बाद से दूसरे का साइड है जहाँ तक चूना आपको ख़त्म दिख रहा है। ये सब पार्टी है माशाल्लाह, डेली अपने को कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं सब, डेली बुकिंग चालू है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको बुक करके डालने का है तो आप कुछ ना कुछ बयाना बट्टा दे दीजिए, ताकि हम बुक करके डाल दें आपके, आपका प्लॉट मतलब जो है बुक हो जावे, उसको हम रोक लें। मैं अभी ये एरिया में देखिए, ये जो बाहर के गाले दिख रहे हैं इनके पीछे ये उसकी स्कूल की प्लानिंग चल रही है। ये मुमरा वाली पार्टी है, उसके बाजू में अभी स्कूल की प्लानिंग चल रही है, इरादा बनाए हुए हैं वो लोग, उसके बाजू में इंशाल्लाह स्कूल बनाने का इरादा है। उसके बाद में 10 फीट का रोड ये आया है, 24 फुट के रोड से 10 फुट के रोड में हमने एंट्री करा। ये भी अभी एरिया खाली है। और ये जो आपको झाड़ दिखाई पड़ रहा है छोटा, ये बड़ा वाला, इस ये एरिया मस्जिद का है। ये आप चूना देख रहे हैं यहाँ से, और ये चूना पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक, ये पूरी चौकोन मस्जिद की जगह है एक। और मस्जिद के बाजू में ये 10 फीट के रोड से ये मस्जिद की जगह है, और उसके बाद में ये बाजू से भी हमने 7 फीट की गली निकाली मस्जिद के लिए। तो अगर आप बोलेंगे तो इसमें भी मिल जाएगा, मस्जिद वाली गली में भी। एक मस्जिद हमने उधर निकाली है, और एक ये हम फिर 24 फीट के रोड के ऊपर आ गए। 24 फीट के रोड के ऊपर आने के बाद में ये फिर से हम 10 फीट के रोड पे चले हैं, और ये भी मस्जिद वाली लाइन है। अगर इसमें आपको चाहिए होगा तो इंशाल्लाह इसमें भी हम दे देंगे। एक मस्जिद की जगह हमने ये निकाली, ये सब गाले 10x20 10x20 के। इसमें चाहिए होगा तो इसमें भी दे देंगे। ये यहाँ से मस्जिद है, ये पूरा एरिया मस्जिद का है। तो एक मस्जिद ये निकाली है, और एक मस्जिद उसके सामने उधर निकाली है। ये भी एरिया पूरा 10x20 का है। तो ये ऐसे है भाईजान, अब देख लीजिए इसमें से आपको कौन सा पसंद है, उसी हिसाब से अपना फ़ोन करके बता दीजिएगा, तो हम आपका प्लॉट बुक कर देंगे। ठीक है, ये हम 24 फीट के रोड पर आ गए। 24 फीट का रोड भी माशाल्लाह काफ़ी चौड़ा है, मतलब 2 से 3 ट्रक आराम से आएंगे और जाएंगे। नहीं देखिए काम चालू है, गाले के बाजू वाला, इसलिए आगे पे जिसके जिसके जैसे कस्टमर के जैसे पेमेंट आता जाता है वैसे बना के देते जाते हैं ऐसा। ये हम 10 फीट के रोड पे चल रहे हैं, फ्यूचर में आपका 10 फुट का रोड ऐसा होगा। ये देखिए, ये 300 स्क्वायर फीट के एरिया में हमने 1 BHK बना करके दिया है। ये आपने एंट्री किया, ये हॉल है, अभी काम चालू है इसका, टाइल्स वगैरह का काम होना है, POP वगैरह का काम होना है। ये सऊदी की पार्टी है, कस्टमर का जैसा जैसा पेमेंट आता है वैसा वैसा हम लोग काम करके देते हैं। और ये बेडरूम है, 9x9 का बेडरूम है। और ये बीच में गली गई है, और ये यहाँ पर लेटरिन बाथरूम का एरिया रहेगा। ये दीवार दिख रही है आपको, ये दीवार यहाँ से उठ के इधर आएगी, उसके बाद यहाँ से दरवाज़ा लगेगा, ऊपर जो है अपना पोर्टमाला बनेगा, वहाँ से ऊपर टंकी वंकी ये वो सब कुछ रखा जाएगा। और उस दीवार से लेकर के और ये एरिया, ये पूरा आपका किचन रहेगा ऐसा। ठीक है, और इसके बाजू से आपका ये सामने रोड है,
और ये पीछे 3 फीट की गली, हर एक के पीछे आपको 3 फीट की गली मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। ये देखिए सामने रोड है, ऑटो रिक्शा जा रही है, शेयरिंग रिक्शा वगैरह भी हर चीज़ है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसटी बस वगैरह भी आती है। ये सामने आपको गांव दिख रहा है, ठीक। चलिए ठीक है, जैसा हो बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।